नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक भारत में। तेजस्वी यादव आरा भोजपुर बिहार आते हैं, संदेश में आते हैं और अपनी चुनावी प्रचार में वो लगे हुए रहते हैं और जिस तरीके से संबोधित करते हैं, भीड़ तो उमड़ गई थी लेकिन 19 तारीख आखिर किसके पाले में जाता है, 19 तारीख आखिर आर के सिंह जीतते हैं या फिर राजू यादव जीतते हैं। यहाँ पे महागठबंधन के कार्यकर्ता लोग हैं जो कि तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आए थे, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव की कौन कौन सी बातें इन्हें पसंद आए और क्या तेजस्वी यादव की जो संबोधन है वो करके गए हैं, उसके बाद इनको क्या लगता है ये किसे जिताना चाहते हैं और क्यों राजू यादव को जिताना चाहते हैं, अगर जिताना भी चाहते हैं तो राजू यादव हम देखिए काम करिए क्या लगता है। हमारे देश में जब मोदी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने जनता से वादा किया आने के पहले कि मैं 2 करोड़ बेरोजगारों को साल में रोजगार दूंगा, विदेशों में जो काला धन जमा है उसे जब्त करके यहाँ लाऊंगा और प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया भेजवाऊंगा। इस पर एक छोटा सा गीत है, सुन लीजिए। सुनाइए। किसान दिन के बात रहे, 5 साल बीत गई ले बचावा मोदी। किसान दिन के बात रहे, 5 दिन के बात रहे, 5 साल बीत गई ले बचावा मोदी जी। अब ले अच्छा दिन आई ले बचावा मोदी जी, अब ले अच्छा दिन आई ले बचावा मोदी जी। कहला कि काला धन विदेश से ले आई बा, कहला कि काला धन विदेश से ले आई बा, जनता के खाता सीधे भेजवाई बा, खुली गईले खाता बाकी, खुली गईले खाता बाकी, तोरो न भेजईले बतावा मोदी जी। हमने अच्छा दिन आईले बतावा मोदी जी, हमने अच्छा दिन आईले बतावा मोदी जी। चलिए बहुत ही अच्छा, इन्होंने अब इनकी आवाज जो थी वो अच्छी थी, अब उनकी बोली पे तो हम नहीं जाएंगे लेकिन और लोगों से हम बात करते हैं, क्या लगता है इस बार क्यों जीतना चाहिए राजू यादव को, आप हम क्यों जीताना। हम लोग नजुआत सब संघ है, उनका जो व्यवहार है ना, व्यवहार को लेकर हम विधि व्यवस्था का उनका जानकारी को लेकर हम लोग चाह रहे हैं ना, मोदी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा राजू, अच्छा तेजस्वी यादव का कौन सा बात आपको अच्छा लगा तेजस्वी यादव संबोधित? तेजस्वी यादव के इस यही बात अच्छा लगा कि जो तेजस्वी यादव है ना, उन जीवक समूचे को लेकर चलते हैं, वो अभी नवजीवक में उतने संभाल रहे हैं तो आगे जाएंगे तो बहुत संभालेंगे। चल क्या लगता है क्यों तेजस्वी यादव के जीते आने के बाद क्यों, मतलब ये तेजस्वी यादव को आने के बाद यहाँ खचाखच जो माहौल भरी हुई थी, ये साधा सीधा संबोधित होता है कि भाजपा को हराना है और हमारे राजू यादव को जिताना है, देश को बचाना है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्ट जनता पार्टी से संबोधित मैं करता हूँ और भ्रष्ट जात पात की पार्टी से संबोधित करता हूँ, इसलिए कि मुझे 14 में अकड़ा है, 72 की, अब 17 में हुई 69 की, इसमें भ्रष्टाचार की जो अकड़ा है हमारे बोफोर्स ने दिया कि इस समय 81 पर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आखिर अंक 40 आया है, जैसे ही अंक नीचे गिरते जाता है भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ता जाता है, तो ऐसे भ्रष्टाचार जो 36 देशों से कर्जदारों को यहाँ नीरव मोदी को माल्या को मोदी को नरेंद्र मोदी ने पैसे देकर भगा दिया, ये किसका पैसा था, किसान का है, गरीब का है, मेरा है, मेरी जनता की है, आखिर ऐसे हम देश में जो संविधान के बगल में 9 अगस्त को संविधान को जला गया था, उसमें एक भी व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा गया था, 19 व्यक्तियों ने संविधान को जलाया, विरोध किया, बाबा अम्बेडकर को विरोध किया और उस प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि उन्हीं का देन है, जो उन्हीं के बदौलत डीएनए पर मुझे कटाक्ष किए थे, उन्हीं की डीएनए के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री बना है और हमें डीएनए पर खोट लगाया था, मैं वैसे प्रधानमंत्री को बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है? लगता है यही, देखिए तेजस्वी यादव की क्या बातें आपको अच्छी लगी? तेजस्वी यादव की हर एक बात अच्छी लगी और उनसे ये आप ये बताइए कि मोदी सरकार का क्या यही न्याय है कि किसी के माँ बाप या बाप जेल में हो तो उसको मिलाया नहीं जाए, ये बताइए सही बात है? इसका रोष है आप लोगों के अंदर कि मतलब लालू यादव से नहीं मिलने दे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, रिश्वतखोरी में भारत हमारा प्रथम स्थान पर, पाकिस्तान चौथा स्थान पर, म्यांमार 5वां स्थान पर है, वही भारत हमारा
राजू यादव कैसा लगते हैं? एक नंबर लड़का है, अच्छा है व्यवहार, पढ़ा लिखा, सुशील, गरीब गुरुआ को मदद करता है। आधा रात पिछली रात राजू जी के हम लोग वोट देंगे। क्यों राजू यादव? क्यों राजू यादव? राजू राजू यादव में ऐसा कबैलियत है कि जनता के बीच में हर हमेशा रहते हैं, हैं? इनका के लड़के इसीलिए घर के लड़का, क्या घर के लड़का सामाजिक होगा तब ना उनके साथ लोग जुड़ेगा। आर के सिंह 5 साल रह चुके, लेकिन आज तक ले ये भाजपा की चाल पर आज तक ले कोई बैकवर्डो के खास करके कोई भी काम नहीं किया। जातिवाद करते हैं, उनको जाति की भावना हर पल में भरा रहता है। ठीक है, लगता है, क्या लगता है आपको? राजू यादव गरीब गुरबा के नेता है, हर एक गरीब गुरबा के दुख सुख में शामिल है। क्यों क्यों जीतना चाहिए राजू यादव को? जीत गए तो फाइनल है, एकदम फाइनल है। काहे हो? काहे नहीं? अरे क्यों? आप 2 अंश है, हम 98 अंश है। हम 85% है, 15% है, जीतेंगे नहीं। जातिगत आप लोग बताइए। जातिगत नहीं, हमने क्या बोला? हम 98% है, आप 2% है, तो आप जातिगत करते हैं। जब हम लोग तालमेल कर लेंगे तो क्या होगा? बीजेपी हमको जतियाता नहीं कर रहा है, हमको 98% हम है। जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, जो रामविलास पैसे बैठे बैठे दल बदलने वाला पासवान जो किया है ना, आरक्षण के लेकर संविधान को छेड़छाड़ बैठ कर करवाया है। क्या लगता है आरा की हम बात कर रहे हैं? आरा में आरा से राजू यादव चुनाव जीत करके बैठ गए, ठीक ना? 2 लाख से नहीं। क्या अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि राजू यादव अगर जीत के आते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो हमको सब लोग कर पहले भी कर चुके हैं। क्या अपेक्षा क्या आप लोग की? अपेक्षा हम लोग कर चुके हैं, तो अपेक्षा के बारे में 5 साल उनका टर्म आएगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो अपेक्षा होगा। गरीब गुजुर्बा में सुनिए ना, एक मिनट, गरीब गुजुर्बा में शुरू से जुड़े हुए हैं, जीत करके भी जुड़े रहेंगे और जनता के बीच में हर हमेशा रहते हैं और रहेंगे। हमारे कार्य को सफल हमारी फैमिली है। आरके जैसा, आरके सिंह जैसा नहीं है, बोलते हैं कि पढ़े लिखे को जूता से मारो। देख रहे हैं जिस बिरान में यहाँ कौन सा व्यक्ति पढ़ता है, क्यों जीतना चाहिए? आरक्षण खत्म, पहले तो मोदी जी आरक्षण खत्म करेगा नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर 5 डिसमिल जमीन के कहानी वो ना मिल गई। माजी जी बोले थे लेकिन छीन लिया ही ना, छीन लिया बीजेपी बहकल देता पार्टी, ये पार्टी है बीजेपी। कोलोनी कहा गरीब को देने के लिए कि 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी उसके खाता नहीं दिया। कि आपने सुना बेबाक होकर आरा भोजपुर बिहार, जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से आरा भोजपुर बिहार से इन्होंने गर्जा है। इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि आखिर तेजस्वी यादव के सभा के बाद ये क्यों चाहते हैं कि राजू यादव जीतकर आरा लोकसभा में आने चाहिए। अगर इनकी बेबाक राय और इनकी पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आए तो इस खबर को लाइक करिए, शेयर करिए ऑन यूट्यूब, आशा एक भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।